दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर VEO का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय दिवस। इस टॉपिक से आपके खंड शिक्षा अधिकारी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? SSC 2013 का क्वेश्चन है ये। क्या आंसर होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं आप लोग और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सातवां क्वेश्चन, किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। SSC 2013 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, तो चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अगला है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 13वां देखिए, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर। BPSC 2011 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचायिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? संचायिका दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोध दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को। अगला देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? SSC 2013 का क्वेश्चन है ये। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई ऑप्शन डी, एंटी-टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है। अगला देखिए, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? UPSC 2002 का क्वेश्चन है ये।
23 जनवरी को निम्नलिखित में किसका जन्मदिवस मनाया जाता है? किसका माना जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। 23वां देखिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है ये। सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है महिला दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? एमपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है ये। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? कौन सा है? 25 जनवरी। 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, राजीव गांधी का जन्मदिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय गुलाब दिवस के रूप में। अगला देखिए, राजीव गांधी का जन्मदिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। अगला क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में 5 सितंबर का दिन किसके जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर का दिन किसके जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? किसकी है 2 अक्टूबर? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री की। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर विधान चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है इसमें। सूची एक में क्या है दिवस, सूची दो में है तिथि। अब आप लोगों को इसका मिलान करना है, तो किस प्रकार से आप मिलान करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है। 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अब बात करते हैं 19 नवंबर की। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, अब बात करते हैं 29 अगस्त की। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बात करते हैं 12 जनवरी की। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची एक में है दिवस, सूची दो में है तिथि। अब आपको इसका मिलान करना है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको मिला के दिखाता हूँ, सुमेलित करके दिखाता हूँ किस प्रकार आप इसे सुमेलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। इसका मिलान ये हो जाएगा।
ठीक है, अब बात हम करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर को क्या माना जाता है? बाल दिवस। ओके, अब बात करते हैं 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में ये बोला है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं होगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं है, यही बोल रहा है। क्या आंसर होगा? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 1990 में पूछा जा चुका है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये भी यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बीटिंग द रिस्ट्रीट का संबंध किससे है? ये आरआरबी टीसीसीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2008 में पूछा जा चुका है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? आंध्रा बैंक पीओ 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन डी, 31 मई सही हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी टीसी 2004 और 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।